तो यार गाइज, अगर आपको भी नहीं आता कि हाथ से लिखने वाले वीडियो कैसे बनाते हैं और हम हमारे YouTube चैनल के लिए हाथ से लिखने वाला एक शानदार वीडियो कैसे बना सकते हैं और एक शानदार हमारे वीडियो में इफेक्ट कैसे दे सकते हैं ताकि हमारे वीडियो बहुत कूल लग सके, इनका हेल्थ का, लाइफस्टाइल का, व्लॉग का या फिर किसी भी तरह का अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों आप भी यूट्यूब से लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हो और अपने वीडियो को काफ़ी कूल और इफेक्टिव लुक दे सकते हो। दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये हाथ से लिखने वाले वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। दोस्तों मैं हूं आपका एमके और आप देख रहे हैं एमके जोन 07 यूट्यूब चैनल। तो गाइज आइए चलते हैं, अब हम आपको सिखाते हैं कि ये वीडियो कैसे बनाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जो बनाने की ऐप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गाइस सबसे पहले हमें हमारा प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है बिनेमी। बिनेमी लिखने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा दोस्तों, फिर आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। सो गाइस सबसे पहले हमें ये जो ऐप है इसको ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद ये जो आपके सामने प्लस का निशान दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक टाइटल दे देना है। टाइटल देने के बाद ये जो 1080 वाला रेशियो है इसे हमें चूज़ करना है। दोस्तों आप ये जो 720 वाला ये भी चूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से क्रिएट मूवी कर देना है। क्रिएट मूवी करने के बाद दोस्तों ये जो स्टिकर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखो गाइज आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ढेर सारे स्टिकर हैं और आप यहां पर कोई भी एक अच्छा सा स्टिकर चूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो उसके लिए भी यहां पर अच्छे अच्छे स्टिकर है। अगर आपका म्यूजिक का चैनल है तो उसके लिए भी दोस्तों आपके यहां पर ले अच्छे अच्छे आपको स्टिकर मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों यहां पर अपने जो आपके वीडियो बनाते हो उसमें आप आराम से इन्हें यूज़ कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो आइए दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ इसे कैसे बनाना है। सो गाइज अभी ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कैरेक्टर वाला, हमें उस पर जाना है और हमें यहाँ से एक कोई भी कैरेक्टर को चूज़ कर लेना है। सो गाइज उसके बाद इसका ये जो साइज है इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो दोस्तों मैंने इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। उसके बाद भी दोस्तों आपके सामने ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है हमें इसमें जाना है और हमें यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है। सो गाइज मैंने यहाँ पर टाइप किया है सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप भी दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। सो गाइज हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों ये जो उसका साइज है आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। आपको ये जो नीचे एक रेड कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है आप इसको आगे या फिर पीछे करके इसके साइज को छोटा या बड़ा करके बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो अपनी वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इसको बनाने में कोई भी दिक्कत आए या फिर कोई भी परेशानी आए तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर दोस्तों आप हमको यहाँ से इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं जो आपको आईडी ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ से। सो गाइज आप इसके रंग को भी चेंज कर सकते हैं। आपके सामने नीचे ये जो पीजी का ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पर जाके इसके रंग को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको रंग पसंद आए आप उसको यहाँ से चूज आसानी से कर सकते हैं। सो गाइज मैं इसके यहाँ पर रंग को व्हाइट ही रहने दूंगा क्योंकि दोस्तों मुझे व्हाइट रंग ज़्यादा पसंद है। आप भी दोस्तों अपने पसंद के हिसाब से और जो यहाँ पर अच्छा लगे आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपने कलर को चूज़ कर सकते हैं। हैंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से कोई भी हैंड को चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों मुझे ये वाला हैंड ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसको यहाँ से चूज़ कर लिया है। दोस्तों उसके बाद आपको ये जो म्यूजिक वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आप यहाँ से कोई भी म्यूजिक इसके अंदर ऐड कर सकते हो या तो म्यूजिक लाइब्रेरी से या फिर आप इसको यहाँ से आसानी से रिकॉर्ड भी कर सकते हो सीधा दोस्तों जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए दोस्तों हम इसे एक बार यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं कि ये प्ले होने के बाद कैसा नज़र आता है। तो आप दोस्तों देख रहे हो ये काफ़ी अच्छी तरह से प्ले हो रहा है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों उसके बाद में ये जो आपके सामने प्लस का निशान दिखाई दे रहा है राइट साइड में, हम दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक दूसरी लेयर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद में दोस्तों हमें जाना है स्टिकर्स में, जो ये सबसे लास्ट वाले स्टिकर हैं हम उसमें जाएंगे और दोस्तों हम यहाँ से एक अच्छा सा स्टिकर को चूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको चूज़ कर लिया है। है दोस्तों कैसे हो आप? तो दोस्तों आप भी यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। तो अब दोस्तों हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं कि ये पूरा जो हमने बनाया है वो हमको कैसा नज़र आ रहा है बनाने के बाद। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बड़ा सुंदर लग रहा है और ये जो हमने एक और सेकेंड वाला बनाया था ये भी दोस्तों आप देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइज इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।